इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दूं कि पटियाला हाउस कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर शब्बीर अहमद शाह, जो काफी देर से कस्टडी में थे और 7 साल से ज्यादा हो गए थे, अब उनकी रिलीज का ऑर्डर पटियाला हाउस कोर्ट ने किया है। और कोर्ट ने जैसे ही ऑब्जर्व किया कि जो शब्बीर अहमद शाह है वो कंटिन्यूसली कस्टडी में थे 26 जुलाई 2017 से, और जो मैक्सिमम सेंटेंस होता है ऑफेंस का अंडर सेक्शन 3 जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत है, वो 7 ईयर है। और ये ऑब्जर्व किया गया कि 7 साल से ज्यादा इनको हो चुके हैं। तो शब्बीर अहमद शाह के हवाले से ये जानकारी आपको दे रही हूं। और फिलहाल आपको बता दूं कि क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह की रिलीज का ऑर्डर दे दिया है। और आपको बता दूं कि जिस तरह से ये एक मनी लॉन्ड्रिंग केस था जो कि टेरर फंडिंग से रिलेटेड था, और कोर्ट ने जब देखा कि 26 जुलाई 2017 से कंटिन्यूसली शब्बीर अहमद शाह कस्टडी में थे और मैक्सिमम जो इसके लिए सजा होती है इस ऑफेंस के लिए वो अंडर सेक्शन 3 जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 7 साल की होती है, और उनका जो ऑनगोइंग डिटेंशन है वो इससे एक्सीड कर दिया था, 7 साल से ज्यादा हो गया था। और इसकी जिस तरह से सजा 7 साल होती है, 7 साल से ज्यादा इन्होंने एक्सीड कर दिया था। तो फाइनली जो जिस तरह से आपको बता दूं कि फाइनली जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है इनकी रिलीज का, शब्बीर अहमद शाह की रिलीज का, इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और वहीं पर ये जो रिलीज ऑर्डर आया है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, शब्बीर अहमद शाह जो हैं वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, जो कि ऑनगोइंग केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए हैं एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन द्वारा। तो फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है, पटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह की रिहाई का ऑर्डर दे दिया है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।